بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن मैं बाबा जी के उर्स पर अमेरिका से आ रही हूँ। मैंने आपकी तकरीबन सारी वीडियोस देखी हैं। आप कहते हैं उरस अगर अल्लाह ने खैर रखी, उरस तो इंग्लिश डेट्स के हिसाब से 6-7-8 फरवरी में शाकिर उज़ैर साहब करते हैं। बाबा जी ने अपने मुंह से ये कहा था, मेरे सामने कहा था, कुछ और लोग भी गवाह हैं कि 27-28-29 ज़िलहज इराकी दुनिया तक फैज़े आम के दिन होंगे, कोई आ सके। हंसते हुए हमसे पूछ रहे थे कि तुम लोग आया करोगे जहाँ मैं आस्ताना बना रहा हूँ। मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी कि आस्ताने का ये मतलब है, मैंने समझा घर बना रहे हैं। तो मैं कहा बाबा जी मैंने लाहौर से आने नहीं देना, खैर वो लंबी बात हमें सुना चुका। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा बनाएगा, फिर देखेगा कौन कौन मिलने आता है, कौन कौन सीधा लाहौर से इस्लामाबाद चला जाता है, कौन कौन इस्लामाबाद से लाहौर चला जाता है। वो मोटरवे पे लिल्ला जगह थी जहाँ बैठे हुए थे, गांव टूटी था, तो आप लिल्ला इंटरचेंज से एग्ज़िट लेते हैं तो 5 किलोमीटर पे टूवर्ड्स लिल्ला सिटी जाते हैं, ये सड़क आगे पेशाब को जा रही है कट्ठा और पेशाब। हार्डली 5 किलोमीटर्स के बाद लिल्ला सिटी आता है, छोटा सा टाउन है, उसमें से स्ट्रेट क्रॉस करते हैं, कहीं टर्न नहीं करना। तो 2 किलोमीटर के बाद ही आगे सड़क के ऊपर ही दरबार है मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी, फिर काकी ताड़ या काकियाँ वाली सरकार, जंगला लगा हुआ, बाबा जी की तस्वीर भी दूर से नज़र आती है, बोर्ड भी शायद लगे हैं, तो वहाँ है वो, तो बाद में बना। उन्होंने उस वक़्त ये कहा 5 दिन पहले 2 फरवरी को, बाकी 8 फरवरी को वो इस्लामाबाद में शाकिर भाई के घर में थे जब अपने खालिक से जा मिले या उनकी जो मंजिल थी अगली उन्होंने शुरू कर दी। 9 फरवरी को लिल्ला में तदफीन हुई। ये 28 ज़िलहज थी शाम जब वो बाबा जी ने पर्दा फरमाया और 29 ज़िलहज को तदफीन हुई, ठीक है, और 27-28-29 जिला 3 ही दिन उन्होंने बोले थे। वो समझ तो था भाई कि ये बाबा जी कह रहे थे, तो मैं उस हिसाब से शाकिर भाई भी आते हैं, गुसल भी कई बार देते हैं जाते हुए 29 को, मैं 28 को ज़्यादातर जाता हूँ। पहले कई बार इकट्ठे भी हम सारे होते थे, वो रश भी हो जाता है, फिर मेरे साथ उमूमन इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं, मैं उन्हें शिकायत उमूमन मंशा भाई बाबा जी के बेटे हैं वो करते हैं कि आपके साथ इल डिसिप्लिन लोग होते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं, वो इन्हें पता ही क्यों नहीं होता। वो मंशा साहब एक साइड पे खड़े, उन्होंने कोई सलाम नहीं करता, मैं जुवेद साहब जो है सब वो मेरी के हिसाब की कौन तबलीज थी ना, जब माइंड कर जाते हैं तो वो मैं फिर 28 वाले दिन जाता हूँ। लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ 27 को जाए, 28 को जाए, 29 को जाए। ऑफिशियल उर्स पर बाद में मंशा साहब की रिक्वेस्ट पर कि यहाँ गर्मी आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी, 2007 में जब बेनज़ीर शहीद हुई है तो 8 जुलाई को था, हर 10-10 दिन बाद पीछे आ रहा था। 8 फरवरी अगले साल यानी हुआ वो इस्लामिक डेट के हिसाब से 28 जनवरी को हुआ, 2006 में 18 जनवरी को हुआ होगा, 2007 में मैं सऊदीया से आया तो 8th या 9th जनवरी बन रही थी। तो 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद हो गई, वो इलेक्शन था बाद में। वो मंशा भाई ने कहा कि ऐसे करते हैं कि आगे कर देते हैं, मैंने कहा कि मैं इस्लामिक डेट्स पे ही आऊँगा, उन्हें शायद माइंड भी किया वो अच्छा ना समझाओ, शाकिर भाई से मिलकर उन्होंने रखा। फिर वो बाद में ये हुआ कि जी ये तो इंग्लिश डेट्स में ही ठीक है, 8 ही उन्होंने 6-7-8 शाकिर भाई ने फाइनल की उनके कहने पर कि इस पे उर्स मनाया जाया करेगा ऑफिशियल, ताकि लोग गर्म मौसम, अभी तो बहुत गर्मी हो, तो गर्मी में इतना मुश्किल काम है, बहुत गर्मी होती है, तो उस हिसाब से ऑफिशियल को तब मनाते हैं। पिछले 2 साल से तो वैसे ही कोरोना की वजह से था, अल्लाह खैर रखे मुल्क में हालात भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो इस मरतबा रौनक लगेगी, जाएंगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो जी। लेकिन सवाल तो बीच में रह गया मैं। आप कहते हैं इधर सब जवाब मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि मैंने उसका लंगर किसको देना है? वीडियोस में जवाब मिल जाते हैं। हाँ जी, बाबा जी के सवाल क्या सर, उन्होंने कहा कि आप इधर सब जवाब मिल जाते हैं, सवाल ये है कि बाबा जी के रूहानी वारिस सैयद शाकिर उज़ैर साहब को या आप सवाल दोबारा पढ़ेंगे? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बाबा जी के उर्स पर अमेरिका से आ रही हूँ,
मैंने आपका तकरीबन सारी वीडियोस देखी हैं, आप कहते हैं इधर सब जवाब मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि मैंने उर्स का लंगर किसको देना है, बाबा जी के रूहानी वारिस सैयद शाकिर जैर साहब को या बाबा जी के बेटे सैयद मंशा अब्बास को या आपको? गुस्सा मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। नीलम, शुक्रिया। नीलम जी, सौ बिस्मिल्लाह। मुझे तो बेटा ना उर्सों पे जाने का पता था, ना आने का, ना लंगरों का। बाबा जी के एक बुजुर्ग थे, उनके वालिद साहब उनके गद्दी नशीन भी थे, कसूर में एक छोटा सा दरबार है, छोटा तो नहीं, बुज़ुर्ग बड़े हैं वो, कलंदरी सिलसिले की हैं, शेरशाह कलंदर, कोट कतलगढ़ी, छोटा सा कस्बा उसे मैं कहना चाह रहा था, यानी कसूर के अंदर, आप वो बाबा बुल्ले शाह के दरबार के साथ ही अंदर है, आप तो मोहल्ला है वहाँ है, तो उधर उर्स था। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि उर्स पे जाना, कभी किसी उर्स पे गए हो? मैं कहा जी बचपन में अब्बा जी के साथ एक बार दादा साहब गए थे, इतना रश था, इतना बुरा हाल हुआ, पहली बार लाहौर आए थे 73 में, तो जितना बुरा हाल हुआ मुझे तो लगा कि अम्मा मेरी जो औरतों की साइड पे गई है वो तो घूम गई होगी, और मेरी माँ कैसे मिलेगी मुझे दादा साहब से मिलने का कोई शौक नहीं, मैं अपनी अम्मी का पढ़ा हुआ था कि अम्मी उधर है ना, ये अब्बा किथे लाए हैं सर। तो उसके बाद मैं तौबा की, किसी उर्स पे नहीं जाना, तो मेरी तो कोई नहीं है ऐसा। तो आप, उन्होंने कहा कि उधर आना है, काम ही को भी कहा, और बल्कि हमें कहा कि मुझे साथ, मतलब गाड़ी में हमने भी, मैंने, हमने बाबा जी को साथ लेके यानी जाना है, फिर चेंज किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग जो है ना गाड़ी पे आना। दोबारा जब फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं कि लंगर साथ रखना। तो अब मुझे यही पता था कि कोई मीठी चीज़ें, ये जो वाइट वाइट दाने नहीं दरबारों में मिलते, मैं कहा बाबा जी कितने पैकेट रख लूँ? तो हंस पड़े, तो मुझे कहते हैं कि काका बाबा जो तुम्हें तौफीक है, तो ना वहाँ बड़े शाह साहब वो सैयद बादशाह, बाबा जी तो कई नाम वाले साहब हैं, तो वो उस वक्त वो गद्दी नशीन है उधर के, और ये टिपिकल माहौल है दरबारों वाला, तो जब जाते हैं ना तो लंगर पेश करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, जारी बात है मेरे अंदर तो शक होता था कि देख क्या बाबा पैसे ही ले रहे हैं अभी, अपने बिंद आ रहे हैं या कुछ, मेरी तो लोग हमारी सोच ही इस लेवल की होगी। तो मैंने कहा फिर भी बाबा जी कितने दे रहे? बाबा जी भी जर्फ था उनका, तो मुझे कहते हैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बस तुम्हें जो कहे ना, जो तुमने अपने शौक से कहना, लिफाफा अच्छा साफ भी ले लेना, इसका भी एक तरीका सीखो, वह सबके सामने वैसे पेश करते हैं हाथ पे, और बस वो पेश कर देना, वो आगे से उनकी मर्ज़ी है, वो कबूल करें वापस कर दें जो भी करें, वो उनका मूड का पता नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, तो कहते हैं ये ना कह देना पता दास्त है, मुझे क्या पता, मैं गया बाबा जी ने कहा था ये, मुझे क्या पता, मैं उन्होंने, उन्हें पता था बेवकूफ़ आदमी उन्होंने मुझे। खैर वहाँ गए, वो उसका माहौल भी देखा थोड़ा सा जो भी था, उसके बाद बाबा जी को उनका घर साथ ही है अभी भी वहाँ, वो बड़े बाबा जी से मुलाकात हुई, बैठे हुए थे, मैंने वो अब एक ही काम, बाबा जी जब काम कर रहे थे मेरा यही पहुँच देने वाली, बाबा जी ये ले सबर कर, मैं अभी खुद पेश करते थे, बाबे को ना बीच में छापी ना, उन्होंने पूछा कितने हैं कितने नहीं हैं, मैंने बैरल जाके उन्होंने उन्हें दिए, उन्होंने किप करके साइड कर दिया, वो लिफाफा जो भी था कागज़ थे, मैं इसलिए चूँकि मैं याद था। बाकी बाबा जी ने जो दरबार है, शाकिर भाई ने वहाँ क्यूरेटर प्रोफेसर सलीम है जो आते हैं, उनकी बेगम साहबा ने, उन सब ने, शाकिर भाई के जितने सीनियर लोग हैं उन्होंने बड़ी ड्यूटी दी उस दरबार की। दरबार इस फॉर्म में तो नहीं था, यहाँ तो जंगल था, ये सारा कैसे बनाया है क्या किया है ये वो जानते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ज़मीन भी जो उन्होंने ली बाबा जी के बाद, वो भी उन्होंने मंशा भाई वगैरह के नाम भी करवा दी। मैं शुरू में लंगर उसी रस्म में, जब मैं शुरू के 2-3 साल जब मैं, तो शाकिर भाई को पकड़ा, फिर उन्होंने कह दिया मंशा को पकड़ा दिया करो, मैं मंशा साहब को भी 2-3 साल पकड़ा, फिर एक बार पता नहीं वो किसी बात पर माइंड, उन्होंने कहा जी आप खुद ही किया करें जो करना, मुझे ना पकड़ा। उसके बाद वो भी ख़त्म हुई, मैं उधर ही कहीं बांटता भी जो भी है जहाँ तक, इसलिए मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी है कि आपका जो दिल करे, अगर दरबार की आपकी बनाने की है मैं आपको नहीं जानता, आप जो भी चाहती हैं वहाँ, आप कोई मीठे पानी का ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं, आप वहाँ कोई ऑडिटोरियम बनाना चाह रही, बाबा जी अपने दौर में कहते थे कि यहाँ पर गोरे आया करेंगे, रिसर्च करेंगे इस सारे पे, और सूरा रहमान ही नहीं, वो म्यूज़िक थेरेपी पर रिसर्च करेंगे, तमाल पे करेंगे कि ये नमाज कायम हो रही थी, उनकी तो लफ्ज़ ये होते हैं,
यानी अल्लाह की तरफ ध्यान, जैसे काकी तार, काकी अल्लाह को कहते थे, यानी ममता, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, बेगरज प्यार करने वाला, औरत में वो ज़्यादा होती है, ममता से अल्लाह ने नवाजा उनको, बेगरज प्यार, वो उसको ताड़ो जिसने उसको बनाया हुआ है, उसको देखो, उसके ज़ाहरी गोश्त को ना देखो, जो उसके अंदर छुपा हुआ है उसको देखो। तो उस गांव में, उस इलाके में तो साफ़ पानी का बड़ा, तो पिछले दिनों किसी ने पानी भी वहाँ लगवाया, किसी काके ने, पता नहीं, मुझे बता रहा था फ़ोन करके, मैंने वहाँ ट्यूबवेल लगवाए और अब मैं आपके लगवाना चाह रहा हूँ घर में, गाँव में। मैं कहीं मेहरबानी है आप देखिए हमारा कोई प्रोजेक्ट। तो वो वहाँ पर आप शाकिर भाई इस्लामाबाद होते हैं, उनका फ़ोन नंबर है 0300-8486769। तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे से वो बहुत सीनियर हैं, दरबार के सारे मामला तो नहीं होता है। मंशा भाई को आप देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, लंगर देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, किसकी तरह, वो आप ही जाने जब आप लंगर की बात करें। वहाँ पर इन नामों पे, इन चीज़ों के लिए नहीं, कोई कहता ना कहता किसी, मुझे नहीं पता वो भी क्या मुलाजमों में बांटते हैं, कहते हैं। मुझे लंगर नहीं देना। हाँ, यहाँ पर जो लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, ये लोग कई बार पहले गाड़ियों में पूरे आ जाते थे, फिर ज़्यादा हो गए, फिर पोस्टर्स इन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट किया, उसमें डॉक्टर सभा को, वो इनके साथ होती थी, डॉक्टर सभा, इकबाल, आसिफ, ये आपस में ही कंट्रीब्यूट करते थे, उसमें कौन ज़्यादा करता है, कौन कम करता है, मेरा खुदा गोया मुझे ये भी कम ही पता होता है। ये खुद ही करते हैं, वहाँ लंगर पकवाते भी हैं, इनमें से कौन पकवा रहा है, कौन नहीं पकवा रहा। फिर मैंने तो कई बार मना भी किया कि यार वहाँ आप लंगर इतनी दूर गर्मी में यहाँ से लेके जाना, वहाँ वो सेफ रहे, वहाँ सर्व करना, उधर प्लेटें भी हों, बैठने की जगह हो ना हो, तो ये सारा कुछ भी ये लोग खुद करते हैं। मुझे नहीं पता आपका ये सवाल पूछने का मकसद क्या था, आपकी तसल्ली हुई, तसल्ली हुई क्या होती, तसल्ली तसल्ली हुई कि नहीं हुई, मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे मेरी अपना जो वतीरा था सही है या गलत है, मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अब किसी को लंगर दे भी रहा हूँ या नहीं दे रहा, या खुद ले रहा हूँ या खुद खा रहा हूँ, मैंने क्या गुस्सा करना है, ठीक है, मेरा पेट बाहर आया तो कोई तो चक्कर हुआ है, मैंने कोई अपनी ज़्यादा खाया है, चाहे हलाल भी खाया है तो क्यों खाया है। तो आसिफ भी बहुत चैरिटी करता है लेकिन पेट इसका भी बाहर है, मैं तो यही चेक रखता हूँ कि जरूर कुछ शक्कर से ज़्यादा खाया है, इस चक्कर में कम खाया तो उस दिन टायर ही नहीं ऊपर हुआ, उसके दिन से बड़ी फिक्र हो गई। चल जी, علم القرآن خلق الإنسان